श्रोताओं, राम राम सीता राम। यह एक कहानी राजा की है जो चिड़िया का मांस खाने में बहुत ही उसे खुशी होती थी। तो एक दिन उसने सोचा, अपने दरबारियों से कहा कि जाओ मुझे चिड़िया का मांस खाना है, चिड़िया पकड़ लाओ। तो सब दरबारी गए, चिड़िया पकड़ के लाए। एक चिड़िया जो थी वो उसमें से, तो वो चिड़िया बोलने लगी, कहने लगी, मैं तो राजा के घर आ गई, मैं तो राजा के घर आ गई। फिर जब चिड़िया को छीलने लगे तो कहा, मैं तो राजा के घर में छिल रही, मैं तो राजा के घर में छिल रही। जब उसको काटने लगे तो कहने लगी, मैं तो राजा के घर कट रही, मैं तो राजा के घर कट रही। जब उसको काट के धुलने लगे तो कहने लगी, मैं तो राजा के घर धुल रही, मैं तो राजा के घर नहा रही। ऐसे ही वो चिड़िया बोलती रही, कटने के बाद भी वो बोलती रही। फिर उसको छौंक दिया तो कहा, मैं तो राजा के घर छाऊँ माऊँ, मैं तो राजा के घर छाऊँ माऊँ। सब बड़े आश्चर्य थे कि चिड़िया बोल कैसे रही है। तो राजा फिर उसको जब खाने बैठे तो राजा मुझे खा रहे ऐसा वो बोलने लगी। फिर राजा ने जब खा लिया तो राजा के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। तो राजा ने कहा दरबारियों से, जब चिड़िया बोल रही थी तो मेरे पेट में चिड़िया जिंदा हो गई है, और जब मैं लैट्रिन करूं चिड़िया निकले तब तलवार से मार देना। तो राजा बैठे और दरबारी तलवार लेके खड़े हो गए। तब राजा, चिड़िया जब निकली, चिड़िया तो फुर्रदेव उड़ गई। उसके बाद जब मारा तो चिड़िया, तो राजा का चित्र कट गया। अब जब कट गया तो चिड़िया हंसने लगी, राजा का चित्र कट गया। तब अब राजा ने कहा, जा इसको फिर से पकड़ के लाओ, मैं इसको फिर से खाऊंगा। तब दरबारी फिर से गए उसको पकड़ने, तब उसको फिर से पकड़ के लाए। फिर उसको काटा, छीला, नहलाया, चिड़िया बोलती रही। ऐसे ही फिर राजा ने खाया, फिर बोला, फिर मारा, फिर वो बोली चिड़िया, फिर फुर्रदेव उड़ गई, राजा फिर कट गए। फिर राजा हार गए कि मैं ही कट जाता हूँ, मैं चिड़िया ही खाना छोड़ दूँगा, अब मैं चिड़िया नहीं खाऊँगा, क्योंकि मुझे भी तो दर्द होता है, उसको कटती है उसको भी दर्द होता होगा। राधे राधे, राम राम सीता राम। श्रोताओं, मैं यह कहानी शंकर भगवान की है। एक आदमी था, वो बहुत ही गरीब था, शंकर भगवान का नित्य पूजा करता था, लेकिन वो बहुत ही निर्धन था। तो शंकर भगवान उसके भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। तो गौरी माँ ने कहा, रोज़ तुम्हारी पूजा करता है तो इसको खूब थोड़ा धन दे दो, इसकी गरीबी दूर हो जाए। तो शंकर भगवान ने कहा कि इसके भाग्य में धन है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो कहीं फिर भी थोड़ा दे दो। तो कहीं ठीक है, मैं तो दिए दे रहा हूँ, अब उसके भाग में है कि नहीं आओ देखते हैं। तो एक पोटली में धन भर के, और उसके जो जा रहा था रास्ते से तो नीचे गिरा दिया। तो रास्ते में पोटली पड़ी हुई थी और वो आ रहा था चलते चलते। तो जब पोटली आने वाली थी तो वो सोचने लगा, हम लोगों के तो आँखें हैं तो हम देख के चल लेते हैं, लेकिन अंधे लोग
वो कैसे चलते हैं, उनकी आंखें नहीं होती हैं, मैं भी आंखें बंद करके चल के देखूं। तो उसने आंखें अपनी बंद कर ली और वो चलने लगा। चलते चलते जब वो पोटली आई, वो तो उस आंखें बंद करे हुए था। तो पोटली जब निकल गई, थोड़ी दूर आगे चला गया पोटली से, तब उसने आंखें खोली और धन तो पीछे रह गया। तो शंकर भगवान ने कहा, देखा, जिसके किस्मत में जितना होता है वो उतना ही पाता है। उसने जब पोटली के समय आंखें ही बंद कर ली, अब इसमें मेरा क्या दोष, मैंने तो दिया था। माँ ने कहा, हाँ ये तो बात ठीक ही है, लेकिन लोग कहते हैं हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं और धनवान बन सकते हैं, लेकिन जब इंसान बनना ही ना चाहे, आंखें ही बंद करके बैठा रहे, तो कोई क्या कर सकता। सभी सुनने वालों को राम राम। ये कहानी एक सच्ची घटना पर है, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक सेठ थे, बहुत ही पैसे वाले थे। और तो ऐसा हुआ कि उनका बुरा वक्त जो शुरू हुआ वो बहुत ही भयानक था। आप आगे कहानी में सुनिए। सेठ जो थे वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उनके बिजनेस में धीरे धीरे गिरावट आने लगी और वो धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि उनका पूरा बिजनेस बंद हो गया और वो एक किराए के मकान में आके रहने लगे। धीरे धीरे बिल्कुल एकदम गरीबी आ गई, पैसों को महताज होने लगे। और फिर एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, मेरे पास मेरे जेवर रखे हुए हैं और तुम ले लो, तो जेवर बेच के बिजनेस आप करिए, आपको बिजनेस का अच्छा ज्ञान है, ऊपर वाले चाहेंगे तो फिर से बिजनेस खड़ा हो जाएगा। तो उसके पति ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे जेवर नहीं बेच सकते हैं। तो स्त्री धन होता है, तो उसकी पत्नी ने समझाया कि स्त्री धन इसीलिए होता है कि पूरे वक्त में काम आ सके। तो समझाने पर उसका पति मान गया। वो सेठ धीरे धीरे फिर बिजनेस बेच के पैसे बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस अच्छी तरह से चलने लगा। फिर बिजनेस जब बढ़ गया, फिर दोनों लोग सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन जब कहते हैं पैसा रहता है, तो हर कोई उसकी तरफ, उस इंसान की तरफ खिंचाव आकर्षण में फंसता है। तो एक दिन इंटरव्यू हुआ मैनेजर की पोस्ट की, उसमें एक लड़की आई, वो बहुत ही खूबसूरत थी। और वो सेठ को अपने ही बातों में उलझाने लगी और धीरे धीरे उससे सेठ के संपर्क में आ गई। सेठ भी उसकी तरफ आकर्षण में फंस गए और वो चाय कॉफ़ी तक पहुंच गए, रेस्टोरेंट में जाने लगे। इधर उनकी पत्नी की कुछ तबीयत खराब रहने लगी और उसके पेट में दर्द होने लगा। लेकिन उसके पेट में जब दर्द होता तो दर्द की दवा मंगा के खा लेती, लेकिन डॉक्टर को दिखाने नहीं जाती। ऐसे धीरे धीरे समय निकलता गया। फिर एक दिन उसकी काफ़ी तबीयत उसकी ख़राब हो गई और वो डॉक्टर को दिखाने गई। जब दिखाने गई तो उसको पता चला उसके कैंसर है और वो सिर्फ 7 दिन की मेहमान है। तब जब उसे पता चला मैं 7 दिन की मेहमान हूँ, और तब वो घर पे आई
और उसने सोचा कि का नाम आज मैं अपने पति को बता दूंगी कि मैं सिर्फ 7 दिन की मेहमान हूँ। उधर वो सेठ जो था वो धीरे धीरे उसके प्यार में फंस गया था और उस लड़की के कहने में आ गया था और उसके जाल में अच्छी तरह से जब फंस गया तो वो कहने लगी मैं तुमसे शादी करूंगी। तो सेठ भी राजी हो गया और वो कहा तुम अपनी बीवी से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। तो वो कागज़ लेके मन बना के घर में आया कि मैं अपनी पत्नी से आज तलाक ले लूँगा और उससे शादी कर लूँगा। और इधर उसकी पत्नी ने भी मन बना लिया कि आज मैं अपने पति के को बता दूँगी कि 7 दिन की ही मैं मेहमान हूँ और मैं तुमको छोड़ के जाने वाली हूँ, तुम दूसरी शादी कर लेना, एक बच्चा भी था उसको देख रेख करने वाले कोई चाहिए। तो वो सेठ आया घर में और अपनी पत्नी, वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति की हर बात मानती थी और अपने हाथों से जूता निकालती, खाना परोसती, हर काम पति का करती थी, इतनी वो अच्छी थी। लेकिन जब इंसान का दिल लगा परी से तो गधी क्या चीज़ है, वही वाली कहावत है। तो वो सेठ जो है आया और बहुत ही वैसे ही मन से कहने लगा कि हमें तुमसे एक बात करनी है, और सीधे मुंह बात भी नहीं की और कहने लगा मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तो उसकी पत्नी ने कहा चलो ठीक है मैं तुमको तलाक दे दूंगी, लेकिन हमें 7 दिन का वक्त दीजिए और इन 7 दिनों में हमसे उसी तरह से प्यार कीजिए जैसे पहले प्यार करते थे, मेरे साथ घूमने चलिए और खाइए पीजिए। वो सेठ भी तैयार हो गया, चलो 7 दिन की बात है तो क्या, इसमें कोई तो हर्ज है ही नहीं, मन में उसने सोचा और चला गया अपने कमरे में सोने के लिए। सुबह उठा, उसी तरह से रूटीन चालू हुई, अपना खाया पिया, गया बात किया और वो अपने ऑफिस चला गया। फिर इसी तरह से वो 7 दिन गुजर गए और गुजरने के बाद जब 7वां दिन आया तो सेठ जो था वो मतलब कुछ उसके दिमाग में आया कि मेरी पत्नी तो बड़ी अच्छी है, वो मेरा तो हर कहना मानती है, मेरा हर ध्यान रखती है, मेरे जूते मोजे तक निकालती है, वो इतनी अच्छी है, मैं उसको छोड़ के दूसरे के चक्कर में कैसे फंस गया। कहते हैं कि जो अच्छाई होती है वो मरती नहीं, शायद इसी का प्रभाव था, ऊपर वाले ने उसको सद्बुद्धि दी थी। लेकिन होनी जो थी वो तो होनी ही थी। इधर वो जब सोच के आया घर कि आज मैं अपनी पत्नी को बहुत भावुक हो गया और वो कहने सोचने लगा कि आज मैं चल के अपनी पत्नी को बताऊंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तलाक नहीं चाहिए। इधर उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब होने वाली थी, उसको पता था कि 7वें दिन मैं मर जाऊंगी। उसने सब काम वाम करके कागज़ जो तलाक का लाया था पति उसको और एक चिट्ठी उसने लिखना चाहा और सारे दरवाजे खोल के वो लेट गई कि मैं शायद ना उठ सकूं दरवाज़ा खोलने के लिए, और वो तलाक के कागज़ पे साइन कर दिया और चिट्ठी लिखा और उसको लिखते लिखते ही उसके प्राण निकल गए। पति जब सेठ वो घर आया तो उसने देखा सारे दरवाजे खुले हुए थे, सब इधर देखा उधर देखा सब खुला पड़ा हुआ था। लेकिन जब उसको बेडरूम में गया तो वहाँ देखा उसकी पत्नी ख़त्म हो चुकी थी। राधे राधे।